पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री जयराम ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन का एक दिवसीय दौरा कर क्षेत्रवासियों को दी करोड़ों की सौगात। जयराम ने कहा, प्रदेश सरकार के अगले बजट सत्र में जनता को सरकार का असली रूप देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मरीजों के हित में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का बड़ा फैसला। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में खुले जेनरिक स्टोर को 24 घंटे खुला रखने की मंत्री ने लिया निर्णय। सरकार ने फिर बदले एचपीएस अधिकारी, 6 डीएसपी के किए तबादले। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के सिक्योरिटी अधिकारी का भी हुआ तबादला। शिमला में पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुल्लू में दलित छात्रों के साथ हुए भेदभाव मामले में दलित कार्यकर्ता ने पीएम को लिखा पत्र, आरोपियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। धर्मशाला में केंद्रीय कांगड़ा सहकारी बैंक समिति के चेयरमैन जगदीश सिपाहिया को पद से हटाने के दाव पेंच शुरू। पद से किसी भी सूरत में हटना नहीं चाहते सिपाहिया। आज से शुरू हो रहे होला मोहल्ला मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। पूरा मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। 1600 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। आरोपियों से जाली एम फॉर्म, बुक और बिल हुए बरामद। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। कांगड़ा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्ते ने 22 लोगों को बनाया शिकार। प्रशासन ने आनन फानन में कुत्ते को प्रेशर गन से मारी गोली। घायल कुत्ते की उपचार के दौरान हुई मौत। नाहन में NH-7 पर 3 माह की बच्ची मिली। बच्ची को परिजनों ने झाड़ियों में फेंका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची के परिजनों की तलाश की शुरू। कुल्लू चेष्टा जातिगत भेदभाव मामले में पुलिस ने मामला किया दर्ज। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आश्वासन।